नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय गुलबंदी का दौर शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल जातीय गुलबंदी करने की कवायद में जुट चुकी हैं। इस बीच आज बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा जब भी साथ मिलकर लड़ी है तो बिहार की सत्ता में आती है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा कि हल्की राजनीति विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस बीच लोजपा की तरफ से अभी अभी एक बड़ा बयान आया है। लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह का बयान है, उन्होंने कहा कि लोजपा सीटों की दावेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। चिराग पासवान लगातार बिहार के मुद्दे और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार के प्रवासी मजदूरों के रोजगार देने की बात हो, चाहे कोरोना काल में जो व्यवस्था जो बरकरार रखने की जो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से बिहार में कैसे बने, इस मुद्दों को लेकर चिराग पासवान लगातार जो है अपने मुद्दे उठाते रहे हैं। सीटों के दावेदारी को लेकर लोजपा की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं, कभी कोई कालिदास कह रहा है। आगे अब वीडियो में देखिए लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम लोग को सीटों की दावेदारी करनी ही नहीं है। हमारी जितनी भी सीट है, आप देख रहे होंगे कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हमारी जो सीटों की दावेदारी में जैसे हम जितने भी हमारी सीट मिली है उसको हमने जीतने का काम किया है। तो आप लोग जो बार बार लोजपा से पूछते हैं कि सीटों की क्या दावेदारी है, कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, तो देखिए लोजपा कभी भी जो अपनी बातें करती है वो सीटों के लिए नहीं करती है। जैसे अभी हमारे जेडीयू के कुछ साथी ने बताया कि अपना मतलब ये सीट बढ़ाने के लिए इस टाइप का बयान दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के हित में बात करते हैं, और उन्होंने जब भी मुद्दा उठाया है बिहार के विकास की बात की है, चाहे वो कोरोना काल में प्रवासियों को लाने की बात हो या अभी कोरोना काल में आप टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला तो उसको मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जोड़ते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय चिराग पासवान जी को कालिदास बता दिया गया। उसके बाद जब हमारे नेता बिहार की बात उठाते हैं तो उनको बागी बताया जाता है। और अभी देख रहे थे हम न्यूज में, आप ही लोग के न्यूज चैनल में, कि कुछ मतलब उनके प्रवक्ता जो है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलाल बताते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही घटिया स्तर की जो राजनीति होती है ना, उस स्तर की बात हो रही है। लोगों को लग रहा है कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा और उतना हमारा मुख्यमंत्री जी के नजर में हमारी। यह है लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह, जो लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल जो लोजपा है वो सीटों की दावेदारी नहीं कर रही है। चिराग पासवान से बिहार के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि जेडीयू की तरफ से लगातार चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से खिंचम तान चल रही है जेडीयू और लोजपा के बीच में, कहीं ना कहीं आज जेपी नड्डा ने बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दोनों दलों को नसीहत दी है और साफ तौर कर दिया है कि तीनों दल यानी कि जेडीयू बीजेपी साथ लड़ेंगे तभी चुनाव में जीत मिल सकेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।